हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मोहम्मद साजिद ईशान। वेलकम बैक टू अवर चैनल डी टू आर ईशान। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट जॉब इन योर लाइफ। आज की वीडियो होने वाली है दी ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 160 आर 4V वर्सेस पल्सर N160। दोनों के बीच में मैं अभी ड्रैग रेस करूंगा, देखता हूं कौन सी बाइक विन होती है, बिकॉज दोनों ही बाइकें जो हैं 160 सीसी की हैं। एंड पावर फिगर्स की बात कर लें तो एक्सट्रीम का जो पावर है वो है 16.6 BHP, एंड वहीं पे आपको पल्सर N160 मिलता है 15.7 BHP का पावर। तो देख सकते हो पावर में ऑलमोस्ट 0.9 BHP का डिफरेंस है। तो देखते हैं कौन सी बाइक ड्रैग में विन होती है। थोड़ा सा टॉप एंड रेस करने वाले हम लोग दोनों के अंदर। बाकी लुक वगैरह मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का लग रही है एक्सट्रीम 160R। आपको इसमें KYB के सस्पेंशन मिलते हैं, अपसाइड एंड डाउन फोक्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गोल्डन फिनिश में और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर सस्पेंशन दिया गया फ्रंट का, और N160 में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। बाकी फ्रंट में देख सकते हो फुल्ली LED सेटअप है, और N160 के अंदर भी फुल्ली LED सेटअप मिल रहा है। टायर साइज की बात करें, फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का मिलता है टायर, और N160 के अंदर भी वही सेम मिलता है 100 सेक्शन का। एंड रियर की बात करें तो दोनों ही के अंदर आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है। N160 के अंदर अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है, एंड यहाँ पे आपको फुल एग्जॉस्ट मिलेगा। सो प्राइसिंग की बात करें तो दोनों का प्राइस जो है ऑन रोड वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ दोनों का। अभी गियर में दोनों ही के अंदर साइड स्टैंड कटअप सेंसर देखने को मिलता है, ये देखो। तो अब मैं दिखाता हूँ N160 का। तो स्टार्ट करते हैं इस रेस को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो भाई जैसे कि आपने देखा एक्सट्रीम के साथ N160 का रेस करने में जो इनिशियल है वो एक्सट्रीम 160R का अच्छा है, बिकॉज ये 0-60 बहुत ही फास्ट जाती है 160 सीसी सेगमेंट के अंदर। तो इसको ये फ़ायदा मिल जा रहा है, इनिशियल में ये निकल जा रही है, वहीं पे टॉप एंड में N160 निकल जा रही है। सो अभी तो फर्स्ट राउंड का जो विनर है वो रही है N160। अब राइडर एक्सचेंज करते हैं क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा राइडिंग क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, लॉन्चिंग वगैरह। रिजल्ट देख रहे हो, टॉप एंड इसका अच्छा है।
डिफरेंशियल भागी है। तुम लॉन्च सही से नहीं कर रहे हो क्या? मतलब पूरा हाई गियर इसका जो था ये अटक कर रहा है, पूरा खींच दे रहे हैं हम, आवाज कर रहा है, घनघना रहा था। मैंने थोड़ा इसका क्लच थोड़ा टाइट ज्यादा किया है, पता तेरे को छूटना रहा, छोड़ रहा है ना, बंद नहीं बैग रुक के भाग रहा है मतलब। हाँ थोड़ा क्लच में ही है, बट इनिशियल थोड़ा निकला है, वो पता चल गया। हाँ इनिशियल इसका बेहतर है, 160 सीसी के अंदर सबसे बेस्ट इनिशियल इसी का है, 0 to 60। लेकिन टॉप एंड में ये निकल जा रही है 129 तक ही गई अभी। इसका ब्रेकिंग, हाँ इसकी ब्रेकिंग अच्छी भी है क्योंकि ज़्यादा 300 mm का पेट्रोल डिस्क है। सो गाइस जो रेस का जो विनर है वो है N160, जैसा कि आपने देखा अभी जो सेकंड राउंड के अंदर इनिशियल एंड टॉप एंड में निकल गई N160, एंड फर्स्ट राउंड के अंदर इनिशियल में निकली थी 160R और टॉप एंड में फिर निकल गई थी N160। तो जो इसका रिजल्ट आया है तो इसमें जो विनर है वो है N160। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है, इसका 1,60,000 ऑन रोड है, इसका 1,57,000, तो 3 to 4,000 का डिफरेंस पड़ेगा। बाकी देख सकते हो कुछ दोनों का लुक डिफरेंट है, ये बजाज की है और ये हीरो कंपनी की है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।